Bir gün umutsuz, çözümsüz hissedersen bil ki o çıkmaz. Sokakta yalnız değilsin, özel birisin, özel güçlerin var. Sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın arkadaşların var. Geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kadarız. Biz böyleyiz, bu kadarız. Bizim hayatımız içimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kadarız. Hissedersen bil ki o çıkmaz. Sokakta yalnız değilsin, özel birisin, özel güçlerin var. Sıcak bir evin, bir kedin ve de çılgın arkadaşların var. Geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kadarız. Biz böyleyiz, bu kadarız. Bizim hayatımız içimizden ne geçerse onu söyler yaparız. Bu zamana ait değil asi ruhlarımız. İşte böyleyiz, bu kadarız. İşte böyleyiz, bu kadarız. या अल्लाह मुझे माफ कर दे। आखिर ये कैसा इम्तिहान है मेरा? इसके नीले बाल हैं यार, नीले बाल हैं इसके, देख तो लेते कम से कम। कैसे आए? तो फिर तुम और मैं कहां सोते बताओ मुझे। दरवाजे के बाहर जाके सोता मैं। वैसे बेहतर तो यही था ना। मेरी बात सुनो जरा, मुझे पागल मत बनाओ। तुमने ही मुझे बुलाया था आधी रात को यहां। हां तुम्हें मुझसे चिपक के सोने में सुकून मिलता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं नीले बाल वाली चुड़ैल।
मेरी जब जब आंख खुली तुम्हारा सर मेरे सीने पर ही था। बात सुनो, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। मैं तुम्हारे जैसे लड़के से क्यों चिपकने लगी? हाँ, बहुत दुख हुआ सुन के मुझे, मुझे वाकई बहुत दुख हुआ है। मैं वही सोच रहा था कि वो नीले बाल वाली लड़की कहाँ है। ओह, चलो मेरे प्यार में तुम ब्रावो। परेशान मत हो तुम, बहुत जल्द तुम आजाद हो जाओगे। ऐश करो, मैं जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो यार, ये तो खुशी की खबर सुना दी तुमने। तुमसे आजाद होके कुछ अच्छा सा प्लान करूंगा। मैं तो अमेरिका जा रही हूँ, तुम अपना सोच लो। तुम अमेरिका नहीं जाओगी, समझी? मैं जाऊंगी। मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं जाने दूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि जब तक डैफने और यालिन का मसला हल नहीं हो जाता, तुम्हारी जरूरत है मुझे। मैं सबकी जरूरत हूं, तुम्हारी नहीं। हम सबकी जरूरत हो तो फिर तुम सब मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं तो जा रही हूं। क्योंकि मेरा किसी खड़ूस इंसान के साथ गुजारा नहीं है। क्या कहा? खड़ूस हूं। हाँ ना, खड़ूस। पहले सीख लो कि लड़कियां कैसे रहती हैं, उसके बाद मुझे खड़ूस कहना, समझी? नीले बाल वाली चुड़ैल। मुझे जरूरत नहीं। हाय दे, हाय दे। हिम्मत भी मत करना, वरना तुम क्या करोगे? वरना चलो निहाल, जल्दी करो इससे पहले कि सब उठ जाए। मुझे याद मत करना, ठीक है? अगर तुम्हें भूलूंगी तो दोबारा याद करूंगी ना। आ जाओ निहाल। शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। हाय। फैल भाई का गुस्सा पता नहीं कब ठंडा होगा, या पता नहीं होगा भी या नहीं। भाईजान, हेलो। तो क्या किया तुमने फिर? कुछ खास नहीं। आपने क्या किया ये बताएं।
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सुबह सुबह जागते ही जब आपको कोई ऐसे देख रहा हो तो बहुत अच्छा लगता है. सही कह रही हो ना? शुक्रिया तुम्हारा लैला कि तुम मुझे एक ही औरत से दूसरी बार प्यार करना सिखा रही हो. मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही सीख रहे हैं आप. सीख तो रहा लेकिन सिर्फ ऐसे देखना काफी नहीं. कभी कभी साथ वक्त बिताना भी काफी नहीं और सिर्फ आशिक होना ही काफी नहीं. लैला मुझे वो दस्तखत दोबारा चाहिए. तो फैल क्या सुबह सुबह आप फिर से मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं? सही सुना ना मैंने? अब मैं मजीद तुमसे दूर रहकर खुद पर और जुल्म नहीं कर सकता लैला. दीवानों जैसी बातें कर रहे हैं. हाँ तो फिर बोलो इस दीवाने से शादी करोगी क्या? फिर से मेरी बीवी बनोगी क्या? बिल्कुल नहीं तो फैल, मैं शादी नहीं कर सकती. अब इनकार कर रही हो? हाँ बिल्कुल तुफैल, तुमने दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया और उस बेचारी लड़की को भी कैदी बना दिया. अपनी बहन का प्यार भरा दिल तोड़ दिया तुमने. मैं तो हाँ बिल्कुल नहीं कर सकती, माफ कर देना तुम मुझे. तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो क्या? तुम्हारा मतलब है कि यालिन और डेफिने की शादी नहीं हो सकती तो हमारी भी नहीं हो सकती? मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है. ये उनकी मर्जी है कि वो शादी करे ना करे, लेकिन एटलीस्ट हमें उन्हें एक चांस तो लाजमी देना चाहिए. बात सुनो, जिसे दिल से मोहब्बत होती है ना वही मोहब्बत का असली मतलब समझता है. मुझे कुछ नहीं समझना लैला, और अगर वही शख्स हमारी बहन का दोबारा दिल तोड़ेगा तो मुझे ऐसे प्यार को नहीं समझना. आपको कैसे पता कि वो दोबारा उसका दिल तोड़ेगा? आप यालिन को कुछ कहने का मौका तो देते. शायद उसको अपने किए पे पछतावा हो रहा होता. हाँ उसे बात करने का मौका दे, वो क्या कहना चाहता है? क्या पता वो ये कहना चाहता हो कि वो अब डेफने को हर्ट नहीं करेगा कभी भी. वो आरास है, क्या करे, है तो उसी खानदान का. उफ़ तो फैला, बात तो करे उससे एक दफा, उसे मौका तो दे, वो क्या कहना चाहता है. किसी आरास से बात नहीं करूंगा. हाय, एक तो मैं सरास और बुरूची की जंग से बहुत तंग आ चुकी हूँ, लेकिन कम से कम मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं अपने शौहर को समझाऊं कि ये फालतू की लड़ाइयां बंद कर दे. अपने शौहर? मेरा शौहर भी हो जाएगा अगर उसकी नजर में मेरी बात की जरा सी भी अहमियत हुई. अच्छा तो फिर मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ. दादी जान के ठीक होते ही वो रिश्ता लेकर आ जाए. डेफने का हाथ मांगने के लिए? मेरी जान, थैंक यू सो मच. आज मुझे यकीन हो गया तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो और मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए. देखो दादी, अगर ये प्लान फेल हो गया तो बहुत बुरा होगा. यालिन और डेफनी की शादी करवाने के चक्कर में हमारी शादी ना हो जाए यार. सुने मेरी बात, ऐसा तो कभी सोचना भी नहीं. सोचा तो हमने भी नहीं था कि ये सब हमें करना पड़ेगा यार. वैसे ठीक कह रहे हो, चलो फिर एटलीस्ट चांस तो लेना पड़ेगा ना. पास हो गए तो जान तो छूट जाएगी ना. कोशिश तो हमें भी करनी पड़ेगी इस सिचुएशन से बाहर आने की. चलो आओ. बस भी करो दानिया, भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था तुम्हें? हाँ रिलैक्स रहो, डॉक्टर ने रोने को मना किया है और स्ट्रेस लेने को भी. हाँ कैसी हो बेटा तुम? डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने उन्हें बताया कि आज सुबह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है और अभी भी हो रहा है. फिर अभी भी ठीक नहीं हुआ. और डॉक्टर ने चेकअप किया
और कहा टेंशन से हुआ है, और कहा कि रोना बिल्कुल नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं, वरना खुदा ना खास्ता आपके बेबी को, मेरे बेबी को। तानिया रोना तो बंद करो, सब परेशान हो रहे हैं। हाँ ना बेटा, डॉक्टर की बात को मानना होगा तुम्हें। मैं क्या करूँ आपा, कैसे अपने बच्चे को इस घर में आने दूँ बताएं? मुझे जाने दें आप, यानी मैं अकेले कैसे पालूंगी, क्योंकि प्यार तो नहीं है, सिर्फ बच्चे के लिए क्या शादी करूं? लेकिन तुम ऐसा कैसे सोच रही हो, दानिश तो प्यार करता है ना तुमसे। मुझे नहीं पता, मैं इतना चाहती हूँ कि बच्चे की दादा की नजर में यार की कोई अहमियत नहीं, मैं ऐसी जगह शादी नहीं करूंगी। डेफने खुश नहीं, यालिन खुश नहीं, मैं शादी करके खुश रहूंगी क्या? मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बस करें ना दादा जान, आप ये प्रेग्नेंट है, इसका तो कुछ ख्याल करें आप। सिराज साहब देखें जरा इसकी तरफ, रो रो के क्या हशर कर दिया है अपना, हमारा तो फर्ज बनता है ना, आप एक बार हाँ कह दें इसे, बस एक बार। चले कह, ठीक है ये चीज। लेकिन सिर्फ किसके लिए, अगर तुफैल बरूची राजी होता है तो ऐसी सूरत में ही तो मैं रिश्ता मांगने जाऊंगा। आप जैसा तो कोई नहीं, कोई नहीं है आप जैसा। हाँ बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, हमें फख्र है कि आप हमारे साथ हैं। हाय क्या हो रहा है? खुशखबरी है तुम्हारे लिए, अगर बरूची राजी होते हैं तो मैं डेफने का रिश्ता मांगने जाऊंगा। अरे वाह वाह दादा जान, वाह क्या बात है आपकी यार। अरे दादा को यार कहते हो तुम? हे कजन, थैंक्स। मेरे बच्चे, वेलकम कजन, ये कुछ भी नहीं। दानिया कसम से क्या चीज हो तुम? पता है मुझे। मैं अफतून है सुल्तान। हाय मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम बताओ तुमने अपनी गलती को सुधार लिया ना? हाँ यालन भाई, अल्लाह ने बचा लिया मेरी जान। तो अब हमारा अगला मिशन है तुफैल भाई और दादी को राजी करना। हाँ अरे जब अल्लाह ने घोड़े की नाल दे दी है तो घोड़ा भी जरूर दे देगा। अरे तुमने मुझे घोड़ा कैसे कहा मफ्तून? रेशम मेरी जान, क्या कर रही हो हसीना? और क्या करूंगी मैं, हाँ रात भर अपनी भाभी के बच्चे को मैंने संभाला, और अब सूप बना रही हूँ अपनी सास के लिए। इस सब के बाद मुझे अपने शौहर के पैर भी धोने हैं, हाँ और फिर खेतों पे चली जाऊंगी इंशाल्लाह। हमारी दुल्हन उदास है, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तो फैल ने कहा है कि दादी के ठीक होते ही यालिन रिश्ता लेकर आ सकता है। क्या? लेकिन दादी मुझे ठीक होती नजर नहीं आ रही, ना उनकी तलखी कम हो रही है। इतनी कोशिशों के बाद जो कुछ तुमने उनके लिए किया, कसम से एक पत्थर भी हो तो वो भी पिघल जाए। लेकिन दादी जान, शायद मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है यार। हाँ या फिर मेरा शायद तरीका गलत था। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है सारे बरूची के साथ शराफत की जुबान नहीं चलेगी, कुछ के साथ टेढ़ा होना पड़ेगा मुझे। हाँ फिर ही काम चलेगा, देखना। ठीक है, ये लीजिए और पी लीजिए आप आराम से। जशम ये कौन सा तरीका तुम्हारा? हाँ ऐसी टेढ़ी सास के साथ मुझे और क्या करना चाहिए यार, ये खुद ही बता दो तुम।
कह रही है कि तुम्हें लात मार के यहाँ से बाहर फेंक देंगी। हाँ जब आपकी टेढ़ी सास हो ना तो फिर उसे जल्दी तवे पे बिठा दो, जब वो कहे कि मैं जल रही हूँ तो थोड़ा सा तेल और डाल दो उसके ऊपर सुकून के लिए। खेतों को स्प्रे की जरूरत है, प्यासे को पानी की जरूरत है, और इस लड़की को तो चप्पल से मारने की जरूरत है। अरे दादी जान आप ठीक हो गए, ये कैसे किया? अगर आप ठीक हो जाए तो ये झगड़ा कुछ भी नहीं दादी जान, कुछ भी नहीं। नहीं मैं क्यों चुप रहूंगी, ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। हाँ लेकिन मैं क्या कह रही थी, दादी आप ठीक है ना, बस आपकी तबीयत ठीक रहनी चाहिए, ठीक है ना बताया। हाय कुछ तो बात है तुम पे मेरी प्यारी शहजादी। हाय दादी अब तो मेरी छुट्टी हो गई ना ट्रांसलेटर की जॉब से। आप ठीक तो है ना दादी जी? हाय ठीक हूँ बेटा। और अब ऐसे हमें डराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। हाँ तो तुफैल साहब अब आपने जो वादा किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है, उस लड़की को शादी करने दे उससे जिससे वो बहुत मोहब्बत करती है। ओ उसकी शादी वहाँ कभी नहीं हो सकती, इन्होंने वादा किया था। दादी दर इधर आए मेरी बात सुने, आप कॉल कर लो उन्हें और आज रात घर बुला लो उन्हें। आइए दादी जान आइए। नहीं हो सकता तुफैल, ये कभी नहीं हो सकता, बात समझो। ठीक है ना दादी जान, देखें सारे कितना खुश हो रहे हैं। लेकिन आप आए जरा मेरे साथ, चलिए। डेफनी को नहीं बताना कि मैं ठीक हो गई हूँ, मैं खुद बताऊंगी उसे। यालेन। लैला तुम आज रात फूल और मिठाई लेकर फौरन घर आ जाओ, तो फैल राजी हो गया तुम दोनों के रिश्ते के लिए। यालेन तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? वाकई हाँ बिल्कुल सच कह रही हो, शुक्रिया। बोलो तुम मुझे, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब तो फैल को मनाना यालन तुम्हारा काम है, समझ गए? थैंक यू लैला, खुश रहो तुम हमेशा। मेरी भी दुआ है मेरी जान, तुम दोनों हमेशा इसी तरह खुश रहो। लैला सच में यकीन करो दिल जीत लिया तुमने। अच्छा लैला लैला कुछ भी हो डेफने को कुछ मत बताना, मैं उसे खुद बताऊंगा ठीक है? देखो बहुत ध्यान से बात करना, अगर तो फैल का दिमाग घूम गया तो वो अपना डिसीजन चेंज भी कर सकता है। ठीक है चलो हम रात को तुम लोग का इंतजार करते हैं। जी हुई ना बहुत। तो फैल भाई ने हाँ कर दिया और आज रात हम सबको अपने घर पर बुलाया है। यस। मैं जा रहा हूँ डेफने को बताने, फूल और रिंग भी लेने और बहुत सारे काम करने। बाय। मेरी जान मेरा बेटा। मैं भी निहाल को बता के आता हूँ। जाओ तुम भी। तुम भी यहीं रहोगी बेटा, मेरी बेटी को भी इस खुशी के मौके पर हमारे साथ होना चाहिए। निहाल तुफैल भाई राजी हो। निहाल भाई मुझे माफ कर दीजिएगा मगर मैं मजीद यहां नहीं रह सकती हूं। मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ भाई। डेफने तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों भाई? तुम्हारी शादी हो गई और तुम यहाँ पड़ी हुई हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कैद है और तुम कह रही हो तुम लकी हो। भाई जान आप तस्वीर का दूसरा रुख देखिए ना। देख लिया है मैंने। हाँ क्या देखा? यही कि मेरी बहन मुझसे भी ज्यादा नफसियाती है। उफ, बताती हूँ। देखें, मैंने कल रात अपने शोहर के साथ इस्तांबुल देखा। आपके जैसा भाई है मेरे पास जिसने कल पूरी रात एक ऐसी लड़की के साथ गुजार दी जिससे वो नफरत करता है सिर्फ मेरी खातिर। सुबह जो कुछ हुआ वो भी देखना चाहिए था तुम्हें। क्या? अरे नहीं कुछ भी नहीं। कुछ तो है बताइए ना मुझे। मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। अरे भाई बता भी दीजिए। मैंने उसे किस की सुबह
नहीं सकता, हो गया। शुश। आई। ब्रावो। तो हिस्ट्री में एक और नाकाम आशिक का नाम आ जाएगा। यकीन है मुझे कि आपका ये रिश्ता भी हमारी तरह इस जालिम समाज ने कबूल नहीं करना है। हाँ, मगर देखना ये है कि वो इस मुश्किल वक्त में आपका कितना साथ देती है। अब से मोहब्बत और नफरत की वो जंग शुरू होगी जिसमें पता चलेगा कि कौन जीतेगा। उफ अल्लाह, और ये जंग इतनी मुश्किल होती है कि इंसान अपना सब कुछ हार जाता है इस जंग में। और अगर आप दोनों की शादी हो भी जाती है तो आप दोनों का बच्चा कितना खतरनाक होगा। मैं सच कहूँ तो मेरा भतीजा दुनिया का सबसे मुनफरिद और खतरनाक बच्चा। भाई क्या हो गया? अपना सर फोड़ रहा हूँ बैठ के, क्योंकि भेजा तो तुम खा गई हो मेरा यहाँ बैठ के। अब इस खाली खोपड़ी को रख के मैं क्या करूंगा यार? आप ही ना, मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि आपको कैसी लड़की से प्यार हो, कैसी एक्साइटेड हो गई। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, कोई इश्क माशूकी नहीं हो रही यहाँ, और ना ही कोई प्यार व्यार है हमें। बस गुस्से में था मैं। गुस्से में? तो आपको उस पर गुस्सा आ गया था? उसके बाल नीले हैं। और वो मुझे कहीं से भी लड़की नहीं लगती। और वैसे भी कितना गुस्सा करती है वो। मुझे तो वो बिल्कुल नफसियाती लगती है। समझ गई। लेकिन कभी कभी जब वो हंसती है ना, तो लगता है कि तरबजोन के बीच में सूरज निकल आया। तुम ऐसे मत देखो मुझे, समझी? क्योंकि वो नाराज होके चली गई अमेरिका। क्या डैफने को बताया है कि यालिन के घर वाले आ रहे हैं? नहीं, यालिन ने कहा है कि वो उसे खुद ही सरप्राइज देना चाहता है। क्या बेवकूफी है। दादी जान बिल्कुल भी राजी नहीं है, शक्ल से साफ नजर आ रहा है इनकी। ये तो किसी के लिए राजी नहीं होती, मेरे लिए कब थी। अच्छा वो तो बताओ बाबा। अरे मेरा शेर। बाबा, यालिन अंकल डेफने फूफो का रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं। हाँ बेटा। आप हाँ कह देना वो अच्छे इंसान हैं। अच्छा तुम्हें तो मैं बताता हूँ मेरे बच्चे। फिर से आ गया यार। कसम से अब तो हद हो गई है तुमसे यार। जब देखो मुंह उठा के घुस आते हो। ये ना खिड़की से बाहर फेंक देगा। हाँ। देखा जाए तो कुछ ज्यादा हो रहा है अब ये भाई। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि आज रात हम तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आ रहे हैं। चिल्लाओ नहीं यार, तुम तो पहले ही मरवा दोगी। हाँ यकीन ही नहीं आ रहा मुझे, उन्हें कैसे मनाया। दानिश और दानिया का शुक्रिया। एक मिनट रुको, लेकिन भाई राजी नहीं होंगे यार। चल अब जल्दी कर। क्या बातें हो रही थी यहाँ? पुलात तुम पागल हो गए हो क्या? वहां क्या देख रहे हो? खुला समंदर देख रहा हूं मैं। और आदम तुम यहां अंदर कैसे आए? मैंने आने दिया दरवाजे से। अच्छा खैर, तैयार हो जाना तुम, आराज फैमिली आ रही है रिश्ता मांगने के लिए। रुक जाओ सब, बस एक मिनट। ये कोई ख्वाब तो नहीं था?
आरास फैमिली रिश्ता लेने के लिए आ रही है शाम में, तो मुझे तैयार हो जाना चाहिए। तो फैल भाई मुझसे अभी अभी ये कहकर गए हैं क्या? हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इनके जैसा इंतहाई खड़ूस इंसान इतनी आसानी से हम दोनों के रिश्ते के लिए मान कैसे गए? मैं कोई काम तो नहीं देख रही, कहीं ऐसा है क्या? आज शाम रिश्ते वाले आने वाले हैं। खामोश, चुप हो जाओ। दादी जान, अब ठीक हो गई? बेटा, मैं ठीक हो गई हूँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची। नहीं नहीं, सुनो, ये पागल यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ से आया ये? अरे दादी जान, आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। आज से दोबारा आपकी वही कड़वी बातें शुरू। बहुत खुश हूँ। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, आप चले मेरे साथ बाहर बैठे। आग से खेलने का शौक है क्या तुम्हें? अब दोबारा इस घर में इस खिड़की से मत आना, समझे तुम? सीधी तरह दरवाजे से रिश्ता लेकर आओ और शराफत से मेरी बहन को रुखसत करके ले जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ। आज रात में मिलते हैं, ठीक है? जल्दी जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हो गया काम। अरे चले भी जाओ आप। अल्लाह अल्लाह, बात सुनो, आराम से ड्राइव करो, मुझे जिंदा वापस जाना है। इसीलिए मैं ड्राइव कर रही हूँ आज से, क्योंकि अगर तुमने गाड़ी चलाई तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द पहुँचना है वहाँ। मेरा नाम निहाल है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं पुलाद मुझे फिर से किस ना कर ले और कहीं मुझे इससे प्यार ना हो जाए। मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना, तुम्हें बताकर मैंने सबसे बड़ी गलती की। ओह अच्छा, रुको रुको रुको, गाड़ी रुको यहाँ। यार मैं यहाँ नहीं रोक सकती, देर हो जाएगी। तुमने मुझसे कहा था कि कोई एटीएम दिखे तो बताना, अब मैं तुम्हें दिखा रही हूँ तो तुम्हें देर हो जाएगी। समझ नहीं आता किस किस्म की लड़की हो तुम। ओहो, पोलाद के ख्यालों ने भुला दिया होगा एटीएम। अगर आप उसका नाम याद देखना तुम। सारे कार्ड्स और अकाउंट्स ब्लॉक हो गए हैं क्या? हम आज यहाँ आपके घर खास तौर पर डेफने बेटी का हाथ यालिन के लिए मांगने आए। यालिन आरास, मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूँ और आप सब लोग अब अपने घर वापस जा सकते हैं। डेफने मेरे साथ ही जाएगी, मैं नहीं जाने दूंगा। प्यार करता हूँ मैं डेफने से। भाई पीछे पीछे। Thank you so much. I'm proud of you. I love you so. हाँ जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो और बहुत प्यार करती हो। वैसे भी क्यों नहीं करोगी तुम मुझसे प्यार? हाँ मैं भी तो इतना प्यार करता हूँ तुमसे।